जी का नाम आ गया। ले आओ, लगी मोहर, ये लगी मोहर, इसे कहते हैं मोहर, मोहर लग गई मोहर धामी के नाम की। क्या बोला था जी? धामी होंगे मुख्यमंत्री, बोला था, हो गया नाम धामी ही होंगे मुख्यमंत्री। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर पर मोहर की धामी ही होंगे मुख्यमंत्री। फल मिल गया उस चीज का। सीमा मैडम आप बताइए, आप बोलिए धामी, धामी का बोला था कि नहीं बोला था आपको कि धामी मुख्यमंत्री होंगे? लगा लो भागम भाग, कितनी भी लगा ली दौड़ दिल्ली तक देहरादून से। आप बोलो सीमा मैडम, बड़ा मुस्कुरा रहे थे आप, बोले कि विधायकों में से चयन करोगे। कल से फिर शुरू करूंगा वही बेरोजगारों की लिस्ट लेकर, फिर शुरू करूंगा कल से ही, जिस दिन शपथ ग्रहण होगा तब से शुरू करूंगा। एक सवाल पूछता हूं फिर से, यहीं से पूछूंगा धामी जी, धामी जी से मेरा सवाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी से मेरा सवाल, सबसे पहला सवाल कि क्या आपके अंदर अगर हिम्मत है, हौसला है, तो गैरसैंण में जाके शपथ लोगे? मेरा सवाल यहां से शुरू होता है कि क्या धामी जी आप उत्तराखंड के हित में गैरसैंण से शपथ लेंगे? गैरसैंण पहाड़, गैरसैंण की गोद में जाके शपथ लेंगे? मेरा सबसे पहला सवाल यहीं पे खड़ा होगा। बेरोजगारों की लिस्ट न्यूज वर्ल्ड इंडिया लेकर खड़ा होगा रोज आपके सामने। धामी जी अब आपके पास कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं है धामी जी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जोशी जी क्या बोला था? एक शब्द तो मैं भी जीत गया। अजय राणा जी, पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री, दोबारा से एक बार फिर से भरोसा जताया आला कमान ने, और विधायकों ने एक सुर में कहा जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर सिंह जिंदाबाद। ऐलान हो गया पुष्कर सिंह धामी के नाम का। अजय राणा जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए पुष्कर सिंह धामी पे जो है बीजेपी आला कमान ने फिर से जो विश्वास भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं धामी हारे जरूर है, लेकिन अगर चुनाव से पहले देखते तो उत्तराखंड में जो है बीजेपी को 20 से 25 सीटों का आकलन लगाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब तीरथ रावत आए तो और ज़्यादा सीटें कम होने का अनुमान लगा। लेकिन जल्द ही बीजेपी आला कमान ने जो है धामी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, और धामी ने अपने कुशल व्यवहार अपने उससे जो है लोगों के दिल में एक जगह बनाई है। और उत्तराखंड में 5 साल जो है सरकारें बदलती है, उसको तोड़ते हुए फिर से मुख्यमंत्री बने।